एक गांव के पास एक पुराना हवेली था जो काफी पुरानी और डरावनी थी। इस हवेली में रहने वाला एक छोटा सा बच्चा था, नाम था विक्रम। विक्रम का बड़ा ही खासी डरपोक होने के कारण लोग उसे डरपोक कहकर बुलाते थे। एक दिन विक्रम को हवेली में एक अजीब आवाज सुनाई दी। वह चुपचाप आवाज के साथ चलने लगा और वहां पहुंचकर उसने एक पुराने और भूतिया कमरे में जाकर एक छोटे से भूत को देखा। विक्रम की हालत गंभीर थी, लेकिन उस भूत ने उसे डराया नहीं, बल्कि वह बच्चे के पास आकर बैठ गया और उससे बात करने लगा। तुम मेरे दोस्त बनोगे? भूत ने पूछा। विक्रम ने अचंभित होकर उससे कहा, तुम कौन हो? मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। भूत ने हंसते हुए कहा, मैं एक भूत हूं, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूं। क्या हम मिलकर अच्छे दोस्त बन सकते हैं? विक्रम ने सोचा और फिर भूत के साथ दोस्ती की। वे दोनों मिलकर बहुत मजेदार समय बिताते थे। भूत ने विक्रम को अपने दुनिया के रहस्य और रोमांच से भरी कहानियां सुनाई। धीरे धीरे विक्रम का डर गायब हो गया। अब वह हवेली के हर कोने में डर के बिना घूमता था और उसकी खुद की साहसिकता बढ़ी। एक दिन हवेली के मालिक ने यह बात जान ली कि विक्रम का दोस्त एक भूत है। उन्होंने भूत को हवेली से बाहर निकाल दिया। विक्रम बहुत उदास हो गया, लेकिन उसने अपने भूत दोस्त से प्रॉमिस किया कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। उसका भूत दोस्त कहीं भी हो, विक्रम हमेशा उसके साथ रहेगा।